हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी फंगल एक्ने की। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उसी कीटाणु से संबंधित एक और दूसरी बीमारी, जिसको पिट्रियासिस वर्सिकोलर बोलते हैं या टीनिया वर्सिकोलर बोलते हैं। ये भी एक फंगल इन्फेक्शन होता है और इसको अपने लोकल लैंग्वेज में, जैसे मैं अगर जयपुर की बात करूं या राजस्थान की बात करूं, तो इसको भभूती कहा जाता है। और हो सकता है कि आपके एरिया में आपको इस बीमारी को किसी और नाम से जाना जाता हो। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसका जो नाम है पिट्रियासिस, वो इसकी जो पपड़ी होती है वो ब्रांड से सिमिलर होती है, इसलिए इसका नाम पिट्रियासिस वहाँ से लिया गया है। और वर्सिकोलर जो नाम है वो इसकी इसलिए क्योंकि इसमें जो निशानों का कलर है वो मल्टीपल कलर का होता है, यानी वो हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकता है, लाइट यानी वाइट भी हो सकता है, और कभी कभार हल्के रेडनेस या पिंक निशान भी बन सकते हैं। तो इस वजह से इसको वर्सिकोलर बोला जाता है। ये फंगल ईस्ट जो होती है मेलेसेजिया, उसकी वजह से होने वाला इन्फेक्शन है। इसके भी रिस्क फैक्टर लगभग सेम से रहते हैं, जिसमें हॉट ह्यूमिड एनवायरमेंट, एक्सेस स्वेटिंग की वजह से ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ये विंटर सीजन में अपने आप सेटल भी हो जाता है कई बार, और समर में दोबारा से रिकरेंस भी हो जाती है इसकी। जैसा कि हमने बताया, वो जो मेलेसेजिया फंगल यीस्ट थी, उसको अपने स्किन से लिपिड चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। तो वो वैसे बिना परेशान किए पड़ी रहती है और कोई सहजीवी की तरह रहती है, कोई बीमारी नहीं करती। लेकिन ये जो रिस्क फैक्टर हैं, ह्यूमिड एनवायरमेंट वाला, स्वेटिंग वाला, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है पेशेंट का, उन केसेज में इसकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर ये बीमारी का रूप लेने लगती है। एज ग्रुप बोलें तो वही सेम एज ग्रुप है, एडोलेसेंट ग्रुप हो गया, यंग एडल्ट हो गए, और कई कबार ओल्ड एडल्ट में भी हो सकता है। मेल में ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल। अब इसकी बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, क्या लक्षण होते हैं इसके। तो ये तीन तरह के कलर्स में प्रेजेंट हो सकता है। किसी किसी पेशेंट में ये ब्राउन कलर के चकते बनते हैं, पपड़ी वाले, तो वो ब्राउन ही रह जाते हैं, और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। शुरू में दूर दूर बनते हैं, बाद में बड़े होकर एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं। तो ये हो गया हाइपर पिगमेंटेड वेराइटी। तो इस वेराइटी में आपको एक ब्राउन बारीक पपड़ी चमड़ी पर दिखेगी, और ये पपड़ी कब प्रोमिनेंट हो जाती है, जब आप थोड़ा सा पसीने की वजह से स्किन गीली हो जाती है, या नहाने के जस्ट बाद अगर आप देखेंगे तो वो जो एरिया है वो थोड़ा अलग दिखता है, और अगर उसको टॉवल से या हाथ से आप रब करते हैं तो वहाँ बिल्कुल एकदम फाइन स्केलिंग, बिल्कुल बारीक पपड़ी नजर आएगी आपको। तो ये हाइपर पिगमेंटेड वेराइटी में ऐसा होता है। कभी कभार ये जो हाइपर पिगमेंटेड वेराइटी है ये इवॉल्व होती है, यानी डार्क से स्टार्ट हुई है जो पपड़ी है वो हट जाती है और फिर वाइट हो जाती है, और फिर ये वाइट ही रह जाती है। दूसरे टाइप का जो पिट्रियासिस वर्सिकोलर है वो है वाइट टाइप का। इसमें आपको जो चकत्ते हैं, जो निशान है चमड़ी में, वो आपके चमड़ी के कलर से हल्के दिखेंगे, यानी थोड़े से डीप पिगमेंटेड या हाइपो पिगमेंटेड रहते हैं। अब ये जो बबूती है ये ज़्यादा क्लियर किन लोगों में दिखेगी, जिनमें स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क होगा, तो उन लोगों में ज़्यादा फ्रेंकली विजिबल रहती है। और इन वाइट वाले निशानों में जो पपड़ी है वो भी कम ऑब्जर्व होती है कंपेयर टू ब्लैक वाले हाइपर पिगमेंटेड वेराइटी के। एक तीसरी वेराइटी होती है जिसमें निशान थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड हो सकता है। इन्फ्लेम्ड का मतलब हल्की सी रेडनेस हो सकती है उसमें, और पिंक हो सकते हैं। ये रेयर टाइप है, कम देखने को मिलता है, लेकिन इतना रेयर भी नहीं है, मतलब एवरी 20-30 पेशेंट्स में से किसी एक पेशेंट में इस तरह के निशान, पिंक और रेड निशान देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो पिंक वाला रेड वाला जो पिट्रियासिस वर्सिकोलर है, भभूती है, वो कभी कभार डेंड्रफ के साथ प्रेजेंट हो सकता है। क्योंकि हमने बताया आपको पिछले वीडियो में कि जो ये मेलेसेजिया फंगस है वो डेंड्रफ भी करती है, फंगल एक्ने भी करती है, और भभूती यानी वर्सिकोलर वाली बीमारी भी करती है। तो वर्सिकोलर में भी स्पेशली जो पिंक वाला जो टाइप है, उस समय पे आपको साथ में डेंड्रफ प्रेजेंट हो सकता है। सिम्टम के नाम पर दिखने में अजीब लगता है, दिखने में बुरा लगता है, और कभी कभार ये खुजली पैदा कर सकता है। वही पसीना ज़्यादा आने पर या गर्मी में धूप में जाने पर इनमें खुजली चल सकती है, अदरवाइज ये ज़्यादा परेशान नहीं करता है।
और इसी वजह से पेशेंट इसको इग्नोर करते रहते हैं। फिर थोड़ा विंटर आता है तो कम भी हो जाता है, समर आने पे दोबारा हो जाता है। तो फिर एक ये धारणा बन जाती है कि ये बीमारी खत्म ही नहीं होती, सही नहीं होती। अच्छा, फंगल एक्ने की तरह इस पिट्रेसिस वर्सिकुलर की लोकेशंस भी थोड़ी स्पेसिफिक होती है। ये बैक पे, चेस्ट पे, शोल्डर्स पर, आर्म पर और साइड्स ऑफ नेक पर, इधर ज़्यादा होता है। और कभी कभार, रेयरली ऐसा होता है कि इन एरियाज को छोड़ के फिर दूसरे एरिया को इन्वॉल्व कर सकता है, वहाँ पर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स की प्रेजेंस होती है। तो ये इसके कॉमन लक्षण हो गए। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते हैं। तो दोस्तों, इसको भी जनरली देखकर पहचान लिया जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा कुछ टेस्ट वगैरह करवाने की। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे सफ़ेद वाली वेराइटी है वो आपके सफ़ेद दाग से कन्फ्यूज कर सकती है, जो विटिलिगो ल्यूकोडर्मा वाली बीमारी है उससे कन्फ्यूज कर सकती है। तो उन केसेज में फिर स्किन स्क्रैपिंग हो गया, कभी कभार स्किन बायोप्सी भी करवानी पड़ सकती है, या फिर एक वुड स्लैम्प एग्जामिनेशन रहता है जिसमें वर्सिकुलर यानी फंगल वाली जो बीमारी है ये भभूती, इसमें आपको येलो ग्रीन फ्लोरेंस दिख सकती है और डर्मोस्कोपी की हेल्प ली जा सकती है। तो ये मेथड्स काम में लिए जाते हैं जब पिट्रेसिस वर्सिकुलर किसी और दूसरी बीमारी को मिमिक कर रहा हो। तो इसमें जो व्हाइट वाला टाइप है वो अर्ली स्टेज पर कभी कभार ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो को कन्फ्यूज कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, या तो टेस्ट या फिर 1 से 1.5 महीने का एक ऑब्जर्वेशन पीरियड रहता है जिसमें डॉक्टर आपको जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए बोलता है इसको, और फोटोज, सीरियल फोटोज लेकर रख सकते हैं, उससे डाउट क्लियर हो जाता है टाइम के साथ में। अगर व्हाइट निशान में साथ में बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो विटिलिगो की प्रेजेंस को कन्फर्म करता है। पिट्रेसिस वर्सिकुलर में ऐसा नहीं होता, इसमें बालों के कलर पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कई बार पेशेंट ऐसे पूछते हैं हमसे कि नहीं सर, भभूती तो सफ़ेद होती है, मेरे को तो काले चकते हो रहे हैं। या फिर कई बार ऐसे पूछते हैं लोग कि जिन्होंने हमेशा ब्लैक वाला ही वेरियंट देखा होता है लोगों को, कि सर ये तो काले चकते वाली होती है, मेरे को तो ये सफ़ेद हो रहा है, कहीं ये सफ़ेद दाग तो नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो फंगस का जो अपना रहने का तरीका है, इसका जो जीवन व्यापन करने का तरीका है, उसी की वजह से ये अलग अलग कलर के निशान बनते हैं। जो डार्क वाली वेराइटी है उसमें फंगस अपने स्किन की जो कलर बनाने वाली लेयर है वहां जाकर के कलर बनाने का काम को बढ़ा देती है, और जो व्हाइट वाली वेराइटी है उसमें ये जो ऊपर की जो लेयर्स होती हैं अपनी एपिडर्मिस में, वहां पे फंगस से केमिकल फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से स्किन का कलर है वो व्हाइट हो जाता है। और जो पिंक वाला वेराइटी है वहां पर भी जो फंगस है उसके जो मेटाबोलाइट्स रहते हैं जिनके वजह से जो स्किन में हल्का फुल्का इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो सकता है जिसकी वजह से पिंक निशान बन सकते हैं। तो वो जो फंगस के रहन सहन का जो तरीका है उसी की वजह से कलर वेरिएंट होते हैं, और ये पॉसिबल है, संभव। वैसे ज़्यादातर समय एक पेशेंट में एक ही टाइप का होता है, लेकिन कभी कभार ये चीज़ें मिक्स भी हो सकती है या अंडर इवोल्यूशन हो सकती है, यानी एक तरह का बन रहा है वो दूसरी तरह में डेवलप हो चुका, फिर पहली तरह का वो नया निशान बनना स्टार्ट हो गया, तो दो तरह की वेराइटी भी साथ में प्रेजेंट हो सकती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जो भभूती है उसके ट्रीटमेंट में समय लगता है लगभग 2 से 2.5 महीने का। अब चूंकि ये फंगल से होने वाली बीमारी है, जो ट्रीटमेंट है वो भी एंटीफंगल मेडिसिन से होगा, तो वही लगाने वाली दवाइयों में तो वही शैम्पू है, कीटोकोनाजोल शैम्पू या सिलेनियम सल्फाइड शैम्पू आते हैं, वो आपको ऑल्टरनेट डे या ट्वाइस इन ए वीक यूज करना होता है एटलीस्ट 3 to 4 weeks के लिए। लगाने वाली क्रीम्स में आप एंटीफंगल क्रीम्स लगा सकते हैं जिसमें ललिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल या टर्बिनाफिन क्रीम, ये यूज कर सकते हैं। अगर लगाने वाली दवाइयों से सब कुछ ठीक हो जाता है तो खाने वाली गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नहीं ठीक होता है तो फिर खाने वाली गोलियों में फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल यूज किया जा सकता है ओरल एंटीफंगल की तरह। इसमें टर्बिनाफिन काम नहीं करता। जो मेलेसेजिया वाली जो बीमारियां हैं उसमें खाने की गोली टर्बिनाफिन काम में नहीं ली जाती है। इसमें भी पिट्रेसिस वर्सिकुलर में भी जो एंटीफंगल की डोज है वो रेगुलर डोज नहीं होती है, कभी कभार ये सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है, या वीक में 1 बार 2 बार 3 बार या हर 15 दिन में 20 दिन में इसको रिपीट करना। जो फ्लूकोनाजोल है उसकी डोजेज डिफर कर सकती है डॉक्टर टू डॉक्टर और एक्सपीरियंस के बेसिस पर।
तो ये डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट के ऊपर और आपकी बॉडी की प्रोफाइल पर, और आपके जो पिट्रेसिस वर्सिकुलर है वो कितना फैला हुआ है, कितना एक्सटेंट है उसका, और टॉपिकल लगाने वाली दवाइयों से किस तरह से रेस्पॉन्स किया उसने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, समय कितना लगता है ठीक होने में? तो जो फंगस वाला कीटाणु है वो इसका सिंगल कोर्स में जनरली खत्म हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि जो बहुती होती है या पिट्रेसिस वर्सिकुलर होता है वो सही होते समय आपकी स्किन को हल्का सा जो व्हाइट छोड़ जाता है, लाइट कलर छोड़ जाता है। अब वो कलर मैच होने में 1.5 से 2 महीना लगता है। तो कई बार पेशेंट मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता है कि सर मेरे तो व्हाइट निशान अभी भी वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें यह होता है कि एक बार आपने जो एंटीफंगल डोज ले लिया, उसके बाद व्हाइट निशानों के लिए आपको आगे और एंटीफंगल कोर्स लेने की जरूरत नहीं होती। वो एक वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ मनी और टाइम है, प्लस बॉडी को अननेसेसरी एक्सपोजर है एंटीफंगल मेडिसिन से, तो वहां जरूरत नहीं होती है। वो जो कलर मैच होना है उसके लिए अलग दवाइयां आती हैं और वो स्लोली धीरे धीरे अपने आप भी मैच हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं होता। एक बार होने के बाद दोबारा होने से रोकने के लिए क्या करना है घर पर? तो जनरली कई बार ये होता है कि सर्दियों में ठीक हो गया, गर्मियों में फिर वापस हो गया। तो इसमें जो शैम्पू आते हैं, एंटी फंगल शैम्पू आते हैं, उनको आप एक इंटरवल पर, यानी हफ्ते में एक बार या 10 दिन में 1 बार, 15 दिन में 1 बार काम में ले सकते, और उन शैम्पूस को हल्का सा रब करना होता है इन एरियाज पर, जो शोल्डर है, बैक है, चेस्ट है, साइड्स ऑफ नेक है, यहाँ पर इसको रब करना होता है, 5 मिनट छोड़ना होता है और फिर उसके बाद में वॉश कर दीजिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पर इसको दोबारा होने से रोकने के लिए केवल ये शैम्पू ही सफिशियंट होता है। इसके ट्रीटमेंट में एक पॉइंट ये भी है कि जो कॉजेटिव फैक्टर है, यानी आपका जो हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, एक्सेस स्वेटिंग है, या आपकी जो ऑयली स्किन है, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और जितना पॉसिबल है उतना उन फैक्टर्स से बचना, ये भी ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही छोटी बीमारी और ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली बीमारी थी, पिट्रेसिस वर्सिकुलर, और बहुत कॉमन बीमारी है, होती है, एक एज ग्रुप रहता है जिसमें ये एक न एक बार तो हर किसी को हो ही जाती है हल्की फुल्की सी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको इसको पहचानने में और एक बेसिक सा जो नॉलेज है इलाज के बारे में वो आपको मिला होगा। आप घर पर एंटीफंगल शैम्पूज को किस तरह से यूज कर सकते हैं उसका आइडिया लगा होगा आपको। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके इस बीमारी से संबंधित किसी कंसर्न को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए, कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। जिन लोगों को ये परेशानियां हैं उनके साथ में आप वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।